होना चाहिए। हमारी पार्टी और सरकार ने सबकी बात सुनी है और उनके हमेशा दुख सुख में साथ रहे हैं। प्रख्यात चिंतक और पूर्व बीजेपी नेता गोविंदाचार्य ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत कई लोगों की मौत के रहस्य को छुपाना राजनीतिक कारण है। रामपुर धर्मांतरण विवाद में गोरखपुर से बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ भी कूद पड़े हैं। आदित्यनाथ ने रामपुर की घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि सत्ता की आड़ में हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। रामपुर में दलित परिवारों का धर्मांतरण कराने का बीएचपी नेता साध्वी प्राची ने विरोध किया है। साध्वी ने कहा कि सपा नेता आजम खान रामपुर को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। रामपुर के स्थानीय सांसद और बीजेपी नेता डॉक्टर नेपाल सिंह वाल्मीकि बस्ती पहुंचे और उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों से संयम बरतने की बात कही और सांसद होने के नाते इस पूरे प्रकरण में बीच का रास्ता निकालकर हल करने की बात कही है। यूपी के कृषि मंत्री राजीव सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा है। सपा सरकार में गुंडाराज के आरोप को निराधार बताते हुए राजीव सिंह ने कहा कि मायावती सरकार में कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी। जौनपुर में एक ऐसा गांव है जहां पर हर एक घर में कम से कम एक आईएएस या पीसीएस है। त्रिकोणी विकासखंड के माधवपट्टी गांव में करीब 100 घर हैं। इस गांव में 47 लोग प्रशासनिक कार्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माधवपट्टी गांव से आईएएस आईपीएस पीसीएस और पीपीएस अधिकारी रैंक के अधिकारी देश की सेवा कर रहे हैं। वाराणसी में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। यही कारण है कि वाराणसी के जिला प्रशासन ने सूबे के अखिलेश सरकार के किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए 54 करोड़ रुपए की मांग की है। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को हुए नुकसान का सर्वे अब तक नहीं किए जाने पर लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील के किसानों ने खेत में गेहूं की बालियां जलाकर गुस्सा जताया। मसूरी के फर्जी आईएएस मामले के आरोपी रूबी चौधरी को पुलिस ने बुधवार को देहरादून सीजेएम की कोर्ट में पेश किया जहां उसके बयान धारा 164 के तहत दर्ज किए गए। लखनऊ के गाजीपुर थाने में गाड़ियों को खड़ा करने को लेकर दो पक्षों में जमकर मुठभेड़ हुई जिसमें गाड़ियों के शोरूम के गार्ड और पार्किंग करने वाले ठेकेदारों ने मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला पड़ता देख दोनों पक्षों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया। महुआ के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने मोपेड सवार दो युवकों को बेरहमी से कुचल दिया। दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक दूध बेचकर शहर से अपने गांव जा रहे थे। आम जनता को महंगाई से एक और राहत मिली है। पेट्रोल में 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 1.30 रुपए पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। सलमान खान के हिट एंड रन मामले में आए दिन नए मोड़ आते रहते हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और बचाव पक्ष की जिरह चल रही है। सलमान के वकील श्रीकांत सिवाड़े ने कल कोर्ट में कहा कि सलमान के ब्लड सैंपल्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी और मेडिकल जांच सिर्फ 5 मिनट में पूरी कर ली गई। हाल ही में रणबीर कपूर ने कंगना रनौत के साथ काम करने की इच्छा जताई जिस पर कंगना ने एक शर्त रख दी। कंगना का कहना है कि वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात है और मैं क्यों नहीं उनके साथ काम करूं, पर मेरा किरदार अच्छा होना चाहिए। टीवी के विवादित रियलिटी शो का हिस्सा रही एक्ट्रेस पूजा मिश्रा ने बुधवार को उदयपुर में अज्ञात लोगों के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने खबर की पुष्टि की है और पूजा का आरोप है कि उत्पीड़न करने वाले लोगों को नहीं जानती, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा, उनकी मां पूनम सिन्हा, ईशा कोप्पिकर और वेणुगोपाल धूत ने उनके खिलाफ साजिश की है। आईपीएल 8 में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर हैदराबाद का मुकाबला है। राजस्थान पिछले सभी मैच जीतकर 6 अंकों के साथ शीर्ष पर है। वहीं हैदराबाद 2 मैचों में 1 जीत के साथ 5वें नंबर पर है। फरमान चाहिए घर तो पहनो टोपी। धर्म परिवर्तन करने के उपरांत अगर हमारे मकान बन जाते हैं तो हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। बदलो धर्म ईमान, वंदे मातरम में देखिए रामपुर का रावण आज रात 9 बजे। ईश्वर टीवी देखने के लिए सबसे पहले आप अपने डीडी डायरेक्ट टीवी के सेटअप बॉक्स मेन्यू में जाएं। प्रोग्राम सेटअप में जाकर ओके बटन को प्रेस करें।
फिर ऑटो स्कैन ऑप्शन में जाकर ओके का बटन दबाएं। फिर आपके सामने आएगा LNP 09750। आप इसको फीड कर लें। स्कैन मोड में जाकर ऑन का बटन प्रेस करें। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में आज हम चर्चा करेंगे रामपुर के घटना की, जिस घटना को लेकर पूरे मीडिया में बवाल मचा हुआ, या यूं कहें कि कुछ जो सिलेक्टेड मीडिया है वो इस मुद्दे को तो उठा रहे हैं, लेकिन जो रेगुलर मीडिया की टीम है वो इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं या छूने से बच रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने का मकसद भी हमारा यही है कि हम उन विषयों पर चर्चा करें, उन इश्यूज को उठाएं जिन इश्यूज पर चर्चा करने के लिए या चर्चा करने से रेगुलर मीडिया जो है वो कतराती है और उस पर चाहे जितना भी समाज का सरोकार हो उस पर बात करने से बचती है, क्योंकि उसमें TRP नहीं होती है। तो TRP की इस खेल से बचते हुए इससे कुछ अलग सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीजों पर काम करने के लिए और उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज से शुरू कर रहे हैं अपना यह खास कार्यक्रम वंदे मातरम। इस वंदे मातरम कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी सहयोगी अर्चना मिश्रा, जो कि हमारे साथ इस प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएंगी, और इसके साथ ही हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ेंगे जो जिनका परिचय हम आपसे धीरे धीरे कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि रामपुर की घटना का सिलेक्शन हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद मीडिया के बड़े सेक्शन में इस घटना को नजरअंदाज किया गया और जिस तरीके से इसको सामने लाया जाना चाहिए था उस तरीके से इसे पेश नहीं किया गया। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है इसी विषय से की जाए। तो शुरू करते हैं हमारा ये वंदे मातरम और चर्चा करते हैं रामपुर के घटना की। जी, रामपुर की घटना सुर्खियों में है और सुर्खियों में क्यों है ये आपको हम सुनाते हैं। सबसे पहले एक बाइट सुनाते हैं, जिस बाइट को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि रामपुर की यह घटना क्यों सुर्खियों में है। यहाँ पर जिस पर चिन्ह लगाए गए थे मकानों पर, यहाँ पर नगर पालिका में कर्मचारी हैं सिक्ते नदी, वो नक्शे बक्शे बनाते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर दलित महिलाओं से ये कहा था कि अगर ये आपको मकान सुरक्षित चाहिए तो आप अगर धर्म परिवर्तन कर लोगे तो हो सकता है कि यहाँ पर जो जिनके इशारे पर हम ये काम कर रहे हैं वो आपको मकान बचा पाए। तो आप तो जानते हैं कि हमारा समाज दबा कुचला समाज रहा है शुरू से और छोटी सोच कर रहा है। तो अगर धर्म परिवर्तन करने के उपरांत अगर हमारे मकान बन जाते हैं तो हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। पर करीबन 60 से 80 परिवार हैं सब। ये थे धर्म कुमार जी वाल्मीकि, समाज के सदस्य हैं, स्थानीय निवासी हैं रामपुर के। और जो घटना है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूं आपको कि ये घटना रामपुर की है, आज से 2 दिन पहले की घटना है, जहां पर दलित समाज के कुछ जो वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों के घर को नगर निगम की ओर से रेड क्रॉस कर दिया गया था। यानी वो वैसे घर को चिन्हित किया गया था जो कि विकास कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे सरकार के मुताबिक। यानी एक सड़क को निकाली जानी थी वहां से और सड़क के रास्ते में ये घर जो है बाधक बन रहा था, इसी वजह से उस घर को रेड क्रॉस किया गया था। लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई और फिर इसी के साथ शुरू हुआ एक घिनौना खेल रामपुर में, जिसके प्रणेता या कहें जिसके पीछे में वहां के स्थानीय जो विधायक हैं और जो कि अभी कैबिनेट में मंत्री में हैं, उनका नाम सीधे तौर पर सामने आया है। जिस तरीके से धर्म कुमार बता रहे थे कि उन्हें इशारे पे, जिनके इशारे पे काम किया जा रहा था, एक नगर निगम के एक कर्मचारी ने सीधे तौर पे वाल्मीकि समाज के लोगों को आकर के इस बात को कन्वे किया कि यदि आप अपना धर्म बदल लेते हैं तो आपके ये मकान बच सकते हैं, बचाए जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक गंभीर मामला है और इसी मामले को लेकर के वहां पर विरोध शुरू हुआ। हालांकि जो तो बिल्कुल इस मामले पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं अपने पैनलिस्ट से, आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं जो हिंदू महासभा के महासचिव हैं महाराज चक्रपाणी जी, जो कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं अपने कार्यालय से। इसके अलावा 2 गेस्ट हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, एक है समाजवादी पार्टी के नेता और MLC हैं बुक्कल नवाब साहब, और इसके अलावा जिसन हैदर साहब जो कि कांग्रेस के नेता हैं। ये सभी हमारे साथ इस पैनल में जुड़ गए हैं और आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद।
तो बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को। जैसा कि सबसे पहले हम चलते हैं चक्रपाणी महाराज के पास। चक्रपाणी जी, जैसा कि अभी आप धर्म कुमार जी को सुन पा रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से पिछले दो दिनों से ये घटनाक्रम चल रहा है रामपुर में और उत्तर प्रदेश में, इसका जिस तरीके से व्याख्या की जा रही है, रामपुर के बाहर जिस तरीके से व्याख्या की जा रही है कि ये स्थानीय लोगों की राजनीति है और इसमें धर्म परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है, कहां तक आप सहमत हैं और कितना इत्तेफाक रखते हैं आप समाजवादी पार्टी के इस लाइन से कि इस पे राजनीति की जा रही है? देखिए, एक तो आपको जो परिचय आपने दिया, हिंदू महासभा के महासचिव, महासचिव नहीं बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरी बात जो दूसरी बयान की बातें कर रहे हैं उनकी बयान मुझे सुनाई नहीं दिया। तीसरी बात, इस पूरी घटनाक्रम के बारे में हमें जानकारी जहां तक मिली है, जिस प्रकार से वहां पे एक अधिकारी के द्वारा और उसको दबाव डाला गया कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो तो तुम्हारी घर बच जाएगा, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही आपराधिक कृत्य है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक कोई वहां पे सरकार का कोई नुमाइंदा गया नहीं और जाकर के उन लोगों की हालचाल नहीं लिया, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस लोकतंत्र में। अभी देखिए आगरा में जो हुआ था उसके लेकर के पूरे देश में हो हल्ला हुआ, लेकिन आपने सही बताया, इस विषय को जिस प्रकार से दबाने का प्रयास किया गया और दबाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक उसके जो मुख्य जो आरोपी है, जो अपराधी है, जिन्होंने इस माहौल को बनाया, वो अभी तक वो बाहर है, अभी तक न गिरफ्तारी उनकी हुई न किसी प्रकार की उनसे कानूनी कार्रवाई हुई। जी हाँ, बुकल नवाब साहब हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या कहेंगे नवाब साहब आप? देखिए, ये जो है ये धर्म परिवर्तन का मामला बनाया जा रहा है, ये धर्म परिवर्तन का मामला है नहीं, इसमें धर्म परिवर्तन का कोई किस्सा नहीं है। कोई किसी का धर्म परिवर्तन न कराया चाहता है, न कराया है और न कराएगा, न फ्यूचर न पास्ट है, न प्रेजेंट है और न इसके अंदर फ्यूचर है किसी भी तरह का। ये खाली बनाई हुई एक कथा है, एक वहां के ऊपर जो है वो मौरी गेट से और तोपखाना गेट तक की रोड चौड़ी का होना है, जिसमें कि हम आपको बता दे रहे थे कि 250 वो मकान हो या दुकान हो और ज्यादातर मुसलमानों की ही तोड़ी जा चुकी है वहां के ऊपर। मतलब ये नहीं कि कोई समुदाय अब किसी समुदाय के खिलाफ है या कुछ है, यही कहना है जो लोग हैं जिनके साथ इस तरह की बात की गई है, जिन्हें धन परिवर्तन के लिए कहा गया है, उन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर रामपुर में कोई सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है। और जो अभी एक मिनट, और जो अभी का मैटर है, इस वक्त का मैटर है, उसमें भी वाल्मीकि का ही मैटर नहीं है, उसमें भी मुसलमान है, उसमें हर धर्म के लोग हैं, ये नहीं कि एक वाल्मीकि समाज के ऊपर जो है हम प्रहार कर रहे हैं, समाज जो है ये हाईकोर्ट के है, माननीय उच्च न्यायालय गया है, माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जब गया है तो हाईकोर्ट ने जो है इन वाल्मीकि समाज की रिट को खारिज कर दिया। हम लोग यदि आपकी बात सही है और आप अगर अपने लाइन पे हैं तो आपकी तरफ से या आपकी सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति उस घटना स्थल पर क्यों नहीं गया? पहुंचती है कि टोपी क्यों पहनी, इसको उतार दो, क्योंकि टोपी पहनी तो मुसलमान हो गए, तो ना लोग मुसलमान कर रहे थे ना करेंगे। हमें मतलब हवा कोई इस तरह का कोई है ही नहीं, मतलब कि हमको कोई धर्म परिवर्तन किसी भी तरह का हमको करवाना है, और ऐसा भी नहीं महर्षि वाल्मीकि जो थे वो आदि कवि थे, आदि कवि थे, कविता के सदस्य जो थी महर्षि वाल्मीकि साहब, आप दूसरे की बात कर रहे हैं, बुक्कल साहब वाल्मीकि ने ही जो है हमारी जो रामायण जो है वो महर्षि कहते हैं कि उन्हीं ने ही। बुक्कल साहब, आप सरकार उत्तर प्रदेश में आपकी है, रामपुर में आपके विधायक हैं, वो आपकी सरकार में मंत्री हैं, उन पर आरोप लगाया जा रहा है, और आपके जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो भी आपकी सरकार के हैं, सीधे तौर पे उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्या सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई जांच वगैरह की गई, क्या कोई जो सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आकर के घटनास्थल पे गया था, क्या कोई जांच वगैरह करी आपके सरकार की तरफ से की गई? जांच 250 मकान हम ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, हमारे वहां पर
चौड़ी करा हुआ है हमारे। नहीं, यहाँ मकान तोड़ने का मामला नहीं है, यहाँ मकान तोड़ने का मामला नहीं है, आप मामले को दूसरे तरफ घुमा रहे हैं। यहाँ है जो मकान बचाने के लिए धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दिया गया, क्या यह जो आरोप लगाया गया है आजम खान पे साफ तौर पे लगाया गया है, इस आरोप के की जाँच की गई है। मुसलमान हो चाहे सिख हो, बात वो नहीं है कि आप सही कह रहे हैं गलत कर रहे हैं। जो धर्म प्रवर्तन करा रहे हैं उनका कोई रोल है इसके अंदर, या कोई वहाँ का अधिकारी जो धर्म प्रवर्तन कराना चाहता है तो वहाँ का कोई अधिकारी इस तरीके से चाहते नहीं कि कोई धर्म परिवर्तन करे। जो लोग धरने पर बैठे उनका साफ तौर पर यही कहना था कि धर्म परिवर्तन हमसे जबरन कराया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि अगर आप अपने घरों को बचाना चाहते हैं तो आपको धर्म परिवर्तन करना होगा, टोपी पहननी होगी, इस्लाम को कबूल करना होगा, ये बात है ना कि दुकानों को तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया, इसको लेकर धरना दिया लोगों ने। दुकानों को मकानों को बचाने की जो शर्त रखी गई है सरकार की तरफ से या आजम खान की तरफ से, मामला उस पे है। हमारा सवाल सीधा उस पे है कि क्या जिस तरीके की शर्त रखी गई है वो उन शर्तों की जांच सरकार की तरफ से की गई है या नहीं। हमारे जो ब्रॉड रोड बनना है, चौड़ीकरण होना है, वो मास्टर प्लान महायोजना के अंतर्गत। अरे बुक्कल साहब, ये रोड की बात नहीं, आप जानबूझकर मामले को घुमा रहे हैं। रोड जो बनना है उसमें 250 ऑलरेडी मकान जो है वो तोड़े जा चुके हैं, दुकान तोड़ी जा चुकी है, मुसलमानों की सारी संपत्ति जो है तोड़ी जा चुकी है। आप जो कह रहे हैं मैं उसे काट नहीं रहा, आपकी बात से खत्म हो चुका है, और आगे भी जो है मुसलमान भी इसके अंदर है। ये हम हिंदू मुस्लिम की बात करते ही नहीं, अगर हिंदू मुस्लिम की बात करते तो आप ये बता दिए इतना बड़ा होली का त्योहार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे बुक्कल साहब, वो बात है ही नहीं का दिन था उस बुक्कल साहब, आपके नेता पे आरोप यह लगाया जा रहा है कि उन्होंने घर बचाने के लिए इस्लाम कबूलने का प्रलोभन दिया। ये भाजपा वाले चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, लेकिन हमारा तो पूरा होली का त्योहार हो गया, हमारे कानून व्यवस्था तो ऐसी थी आज तक के जो है वहां जो होली के अंदर कहीं पर छूटी भी छू भी नहीं। चक्रपाणी जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से बुक्कल साहब इस पूरे मामले को दूसरा कहें जो एक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप चक्रपाणी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, तो लगता है चक्रपाणी तक हमारी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मुकेश जिस तरीके से अगर बुक्कल साहब की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो पीछे हटते नजर आ रहे हैं, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सड़क को चौड़ा करना था और इसीलिए जो है लोग धरने पर बैठे, और इसीलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात को यहां बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल साफ तौर पर जो पार्टी की लाइन है उसमें यही है कि किसी भी तरीके से आजम खान को बचाया जाए और आजम खान के चेहरे को जो है मतलब सेफ किया जाए, और उसी के तहत जो ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि बात यहाँ पर केवल रोड बनाने या मकान को तोड़ने की है ही नहीं, जो मकान को बचाने के लिए जो शर्त रखी गई है इस्लाम कबूलने की, उसको लेकर के ये पूरा मामला जो है इतना रामपुर से निकल के पूरे देश में छाया हुआ। और आज किस तरीके से आप देखें उत्तर प्रदेश की जो मीडिया है इस तरीके से इस मुद्दे को उठाया भी नहीं जा रहा है जिस तरीके से उठाया जाना चाहिए, और जितना बड़ा मामला यह है कि साफ तौर पर यह एक क्रिमिनल सीआरपीसी के अंतर्गत जो है ये मामला आता है और क्रिमिनल ऑफेंस। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। जी हाँ, फोन लाइन हमारी खुल चुकी है, स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, और देर किस बात की फोन उठाइए और हमें बताइए अपनी राय की। साथ में मैं बता दूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया आप मुझे ईमेल पे भी भेज सकते हैं, vmsadhana@gmail.com से आप अपनी प्रतिक्रिया भी भेज सकते हैं। इस बीच दिल्ली से चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चक्रपाणी जी, जिस तरीके से बुक्कल साहब कह रहे थे और मामले को एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहे थे और सीधे तौर पर इसे विकास से जोड़ रहे थे, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की शर्त रखी गई थी मकान बचाने के लिए धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दिया जा रहा था, क्या सीआरपीसी के अंतर्गत या सीधे तौर पे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह दलित परिवार के जो भाई है वो कितने दबाव में थे कि उन्होंने न सिर्फ इस्लाम धर्म स्वीकार करने को राजी हो गए, बल्कि उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिख करके और इच्छा मृत्यु भी मांगी कि हमें इच्छा मृत्यु का भी जो है परमिशन दी जाए, आदेश दिया जाए कि हम इच्छा मृत्यु कर सके। सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से, और उसके बावजूद भी वहां की शासन और प्रशासन पूरी तरह सोई पड़ी रही और कोई एक व्यक्ति सरकार का चाहे प्रदेश का कोई व्यक्ति नहीं गया सरकार का कि
जा करके उनके जायजा ले, उनको उनको दिल की बात सुने कि आखिर क्या कौन लोग थे इसमें जो जो अपराधी थे जिन लोगों ने आप पे दबाव डाला। तो निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिशाहीन है और जिन लोगों ने इसको इस तरह की माहौल को बनाने का प्रयास किया, मजबूर किया कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार करें, टोपी पहनने पे जिन्होंने मजबूर किया, जिन्होंने मजबूर किया कि वो आत्महत्या के लिए राष्ट्रपति से परमिशन ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे वहां पे स्थानीय शासन प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी चक्रपाणी जी महाराज, आप बने रहिए हमारे साथ। जिशान हैदर जी से हम जानना चाहेंगे, कांग्रेस के नेता हैं, आपके बगल में बुक्कल नवाब साहब के साथ ही बैठे हुए हैं। ईशान साहब बताएं, जिस तरीके से बुक्कल साहब अभी दलील दे रहे थे, आपको क्या लगता है कि सीधे तौर पर सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए और FIR कम से कम एक दर्ज करनी चाहिए अपने मंत्री के खिलाफ? देखिए, जहां तक मैंने पता किया है रामपुर में हमारे कांग्रेस के स्थायी जो नेता हैं उनसे जहां तक हमने पता किया है, समाचार पत्रों से या चैनलों से मुझे जो जानकारी मिली है, कि देखिए वो लोग वहां पे हाईकोर्ट में केस हार गए थे, वो अनऑथराइज कॉलोनी है, वहां पे सड़क बननी थी, लेकिन उन लोगों को, वो लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन दूसरी बात जो अभी आपने जो बाइट दिखाई, उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी ने ऐसा कहा कि आप धर्म परिवर्तन अगर अपना कर लेंगे, आप मुसलमान धर्म स्वीकार कर लेंगे, तो आपको वो जमीन आपकी वापस मिल जाएगी और आप वहीं पे रहेंगे। तो हमें लगता है अगर ऐसा कुछ हुआ है और अधिकारी ने कहा है तो उसके ऊपर जरूर संज्ञान में लेते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार को प्रदेश में और इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, पता करना चाहिए कि वो अधिकारी कौन है और अगर किसी नेता के दबाव में उसने ऐसा कहा है या उसने खुद अपनी तरफ से कहा है, जिसकी एक राजनीति हो रही है आज प्रदेश में, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे हिसाब से धर्म परिवर्तन गलत चीज है और जैसे अभी चक्रपाणी जी महाराज जी ने भी कहा कि अभी आगरा में हुआ था तो मीडिया ने उछाला और इसको उछाला, नहीं ऐसा नहीं, हमें लगता है इसको भी पूरे देश और प्रदेश में हर तरफ आज इसी पर चर्चाएं हो रही हैं। तो हमें लगता है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके ऊपर समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार है, वहां से बहुत ही रसूख बनी है और उन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं इशारा जा रहा है। तो हमें लगता है कि उसके ऊपर एक सही से एक इनको पर या फिर जांच बैठानी चाहिए, पता करना चाहिए कि अगर ऐसा कहा गया है तो क्यों कहा गया है और अगर दोषी पाए जाए तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कदम तो उठाना ही होगा राज्य सरकार को। बिल्कुल, देखिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की वहां राजनीति हो रही है कि कभी टोपी पहन के बैठे जा रहे हैं, कभी इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये अगर किसी के बहकावे में आके कर रहे हैं तो ये गलत है और इससे माहौल प्रदेश का खराब हो रहा है। अभी धीरे धीरे करके माहौल थोड़ा प्रदेश का सही हुआ है, 2017 में फिर से इलेक्शन है, तो कौन सी पार्टी है अगर उसके पीछे है जो हमेशा जो है इस तरह की राजनीति करती है? तो हमें लगता है ये पता करना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे असली वजह कौन है। अगर क्योंकि वो जो जमीन है, जो सड़क बननी है, वो हाईकोर्ट से वो लोग केस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार या कोई मंत्री उसको करा रहा है। लेकिन फिर मैं बार बार ये कह रहा हूं, लेकिन अगर उनको ऐसा प्रलोभन दिया गया है कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लीजिए तो आपकी जमीन बच जाएगी, आपके घर बच जाएंगे, तो ये संदेहात्मक है। हमें लगता है इसके ऊपर सही से इसकी छानबीन, गहन छानबीन होनी चाहिए और अगर कोई इसका दोषी है। बिल्कुल हैदर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जांच कराएगी कौन? सरकार वहां समाजवादी पार्टी की है, वहां पे जो इल्जाम जिस नेता पे लग रहा है वो एक कदावर नेता है, एक रसूखदार मंत्री है सरकार में, उनका कद सरकार से भी बड़ा माना जाता है, तो वैसे में इल्जाम यदि बड़े साहब पे लग रहा है तो उसकी जांच कराए कौन? यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? ये तो समाजवादी पार्टी को खुद आगे आकर के बोलना चाहिए और मेरे ख्याल से जो इन पे इल्जाम लग रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको खुद आजम साहब को साहब ने आकर के कहना चाहिए था। उनको हम भी इस प्रोग्राम के जरिए भी कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की, उनसे फोन लगाने की, लेकिन दिन में हमारी कोशिश नाकाम हो गई थी। प्रोग्राम के दौरान भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, यदि उनसे बात होती है तो उनसे भी हम पूछेंगे कि क्यों इस तरीके के इल्जाम आप पे लग रहे हैं और यदि इल्जाम गलत आप बता रहे हैं, आपके पार्टी के नेता यदि इसे गलत बता रहे हैं तो आप आकर के सफाई क्यों नहीं देते हैं? सरकार वहां पर आपकी है, आप इसकी जांच क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि सीधे तौर पे ना सिर्फ मंत्री का नाम आ रहा है, आजम खान का नाम आ रहा है, बल्कि एक अधिकारी का भी नाम आ रहा है, सीधे तौर पर कहा जा रहा है, जो आरोप लगाया है धर्म कुमार जी ने, उन्होंने कहा है कि नगर निगम के एक अधिकारी ने उनसे कहा है कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर लोगे तो आपके मकान बच जाएंगे, और ये जिनके इशारे पे किया जा रहा है, ये खासतौर पर जो इशारा है, ये इशारा आजम खान की तरफ है,
सभी लोग जान रहे हैं, तो ऐसे में एक ही मात्र रास्ता बचता है कि आजम खान खुद सामने आए और इस बात को लेकर के कहे कि उनकी कोई भी किसी तरह की बात नहीं, उन्होंने किसी भी तरीके का दबाव नहीं डाला। फिर भी सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि एक निष्पक्ष जांच जरूर करता है। फिलहाल जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वो काफी गंभीर मामला बनता है इस तरह के आरोप का, और निश्चित तौर पर जिस तरीके का इसका विरोध होना चाहिए उस तरीके का विरोध वहां पर हो रहा है, लेकिन सरकार इसे दबाने की पूरी कोशिश भी कर रही है। चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी जी, क्या आपको लगता है कि आजम खान को खुद सामने आकर के दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए? देखिए, सवाल इस बात का है कि जिस विषय को लेकर के पूरे देश में बवंडर मच रहा है उस वहां के मंत्री पे आरोप लग रहे हैं और वहां के वो विधायक है और वो आकर के अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, अभी तक उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जिस अधिकारी पे आरोप लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ऊपर से चूंकि सरकार भी दबाव में है, क्योंकि सरकार के एक बड़े मंत्री हैं जिनका वो क्षेत्र आता है, इसलिए सरकार जानबूझ पे कार्रवाई नहीं कर रही है कि अगर उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा तो अधिकारी भी हो सकता है खुलासा करे कि हमको ऊपर से आदेश आए थे, मंत्री के आदेश आए थे, तो निश्चित रूप से पूरी सरकार इस कटघरे में है। और इसमें इस बात की भी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और अभी तक नहीं किया। वहां के स्थानीय सांसद वहां पे भी नहीं गए जैसा कि हमने पता किया, वहां के स्थानीय विधायक नहीं गए जैसा कि हमने पता किया, इन लोगों को जाकर के निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और पता करनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं और उन्हें दंडित करना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनः दुस्साहस न करे। जी हाँ, अभी लगातार हम आजम खान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके टेलीफोन पे रिंग तो जा रही है लेकिन वो पिक नहीं कर रहे, उसे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी, आप सुन सकते हैं कि आजम खान को हम फोन लगा रहे हैं लेकिन रिंगटोन तो बज रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं जवाब देने से कतरा रहे हैं। ये आजम खान साहब के टेलीफोन का टेलीफोन रिंग है, आप कहें जो टोन है और वो उठा रहे हैं। हम लगातार दिन से कोशिश कर रहे हैं, करीब दोपहर दो बजे से लगातार हमारी कोशिश है, हमारे जो लखनऊ ब्यूरो के हमारे जो साथी हैं उन लोगों ने भी लगातार कोशिश की थी लेकिन आजम खान साहब सामने नहीं आ रहे मीडिया के और बात करने से बच रहे हैं। सीधे तौर पे आगे बढ़ेंगे, चक्रपाणी महाराज के पास जाएंगे। चक्रपाणी महाराज जी, आप जिस तरीके से कह रहे थे कि स्थानीय जो एमपी हैं या केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए था, जो प्राची बहराज है वहां पे साध्वी प्रज्ञा है वो गई थी, साध्वी प्राची गई थी वहां पे लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया, वहां उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और उन्हें फिर से जो है सीमा से बाहर कर दिया गया रामपुर के। तो इस तरह की कोशिश राज्य सरकार की है कि कोई भी केंद्र का कोई बंदा या जो सांसद है वहां पे वो जाए नहीं वहां पे और किसी भी तरीके से मामले को दबा करके रखा जाए ताकि लोगों को इसका भनक नहीं लग सके, लेकिन जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं और जिस तरीके से वहां पर विरोध शुरू हो गया है लोगों के बीच भी। मुकेश, यहाँ पर एक अपडेट देना चाहूंगी मैं आपको कि जिस तरीके से विरोध कर रहे थे लोग, अनशन कर रहे थे, उनकी मांगों को मान लिया गया है, तो कहीं ना कहीं मांगों को मानकर उनको जो है इस रचना आपको रोकना चाहिए। साध्वी प्राची जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई है। प्राची जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है जी, मिल रही है। साध्वी जी, आप ये बताएं कि जिस तरीके से रामपुर की ये घटना हुई है, आप उसके बाद वहां पर पहुंची थी वहां के लोगों से मिलने के लिए लेकिन आपको मिलने नहीं दिया गया, क्या हुआ वहां पूरा मामला और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख रही हैं आप? देखिए, वहां जो मैं गई दिल्ली से, मैं चली रामपुर तक, पूरा का पूरा प्रशासन से पूरा हाईवे छावनी बना हुआ था। मैं समझ नहीं पाई आखिर हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदुओं का जबरदस्ती उन्हें उनके आशियाने उनके घर छीन करके उन्हें धर्मांतरण के लिए दबाव दिया जा रहा है। अगर मैं अपने बंधुओं से मिलने बारे बात कर रही हूँ, पहली बात, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा कानून बना है जहां पर हमें धर्मांतरण किया जा रहा, अपने लोगों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से नहीं मिल सकते? अगर हम मिलने जा रहे हैं और हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हम किसी गुप्त रास्ते से पहुंच गए अपनी व्यवस्था से, तो आखिर क्यों हमें नहीं मिलने दिया? इसमें लग रहा है कि इसमें जरूर कोई ना कोई दाल में काला था और ये सारी की सारी योजना आतंकी आजम खां की थी। उत्तर प्रदेश सरकार आजम खां के दबाव में है और